अब हम आपको ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के आइडिया को सफलता मिलने के बाद, इंडिया गठबंधन का आइडिया अगर उनके नेताओं से पूछें तो बड़ा सुपरहिट रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस आइडिया की वजह से ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उन्होंने 240 पर रोक दिया। अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव में भी इस आइडिया को दोहराना चाहती है। राहुल गांधी इस आइडिया से बड़े प्रभावित हैं और वो चाहते हैं कि अब हरियाणा के चुनाव में भी ऐसा ही किया जाए। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार बैठे हैं, और अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल और आम आदमी की तरफ से राघव चड्ढा के बीच बातचीत होगी, और इस मंथन के बाद दोनों नेता अपनी अपनी पार्टियों को आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। अगर ये गठबंधन हो जाता है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच, अगर ये केजरीवाल और राहुल गांधी की टीम बन जाती है, तो हरियाणा में बीजेपी का मुकाबला राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी से होगा, और ये वही जोड़ी है जिसे हरियाणा के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। तो देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 46.1% वोट मिले थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 47.6% वोट मिले थे हरियाणा में, जिनमें कांग्रेस को अकेले 43.7% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 3.9% वोट मिले थे। तो आज अगर आप देखें लोकसभा चुनाव के हिसाब से, आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगभग 4% है, लेकिन ये 4% वोट शेयर इसलिए आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि तब सीटों के बंटवारे में आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली थी, उसने एक सीट अपने टिकट पर लड़ी और उस सीट पर कांग्रेस के सारे वोट भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को मिले होंगे, उस कारण से आपको यह वोट शेयर इतना बड़ा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा सीटों के मामले में भी इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे रहा था, बीजेपी को 44 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में बढ़त मिली थी और इंडिया गठबंधन को 46 सीटों पर बढ़त मिली थी, जिनमें कांग्रेस 42 और आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर आगे थी। इससे यह पता चलता है कि यह गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए जरूरी है। इस गठबंधन से केजरीवाल को भी फायदा होगा और राहुल गांधी को भी फायदा होगा। गोवा और गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ा, तब इससे बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोट बट गए थे और कांग्रेस हरियाणा में वोटों के इसी विभाजन को अब रोकना चाहती है। इससे दूसरे शब्दों में कहें कि जो लीकेज होगा इस समय, जो बीजेपी के खिलाफ जो वोट जाएगा उसमें कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और अगर वो लीकेज थोड़ा भी है, 1-3% वोटों का भी लीकेज है, तो कांग्रेस उसे रोकना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी को अपनी टीम में लाना चाहती है। इसके अलावा कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके अपने वोट बैंक को भी बचाना चाहती है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ती है, तब कांग्रेस पार्टी का वोट आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो जाता है, यानी आम आदमी पार्टी को जो वोट मिल रहा है सब जगह से भी, जहां वो अलग लड़ती है अकेले, वो असल में कांग्रेस का ही वोट खाती है, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ये दोनों के हित में। और जब जब ये अकेले लड़े हैं तो कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ है, यानी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस और राहुल गांधी वोटों की इस लीकेज को रोकना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से इसलिए भी गठबंधन करना चाहती है क्योंकि हरियाणा के पड़ोसी राज्य दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है, जबकि इस पार्टी आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहती है क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर उसे एक बड़ा मंच मिलेगा और आम आदमी पार्टी के फुटप्रिंट्स पूरे देश में देखे जा सकेंगे। और अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है कांग्रेस से मिलकर, तो वो महाराष्ट्र, असम, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में भी उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। अरविंद केजरीवाल का एक ही सपना है कि वो एक दिन राष्ट्रीय नेता बन जाए और उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से तो उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, लेकिन असल में राष्ट्रीय पार्टी बनने में अभी उन्हें समय लगेगा। ऐसी पार्टी जो कई राज्यों में हार और जीत का फैसला कर सके, और इसके लिए अब उन्हें कांग्रेस के कंधों की जरूरत है। कांग्रेस हमेशा से यह गलती करती है, वो
शॉर्ट टर्म गेन के लिए यानी शुरुआती फायदे के लिए पहले किसी छोटी पार्टी को या रीजनल पार्टी को अपने कंधे पर बैठा लेती है और फिर आगे चलकर 10-20 साल में वही क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को उस राज्य से साफ कर देती है और कांग्रेस एक बार फिर से वही गलती कर रही है। हरियाणा के 2 करोड़ वोटर्स 3 भागों में इस समय बटे हुए हैं, जिनमें एक तरफ हैं जाट वोटर्स, दूसरी तरफ हैं गैर जाट वोटर्स और तीसरी तरफ हैं मुस्लिम वोटर्स। इनमें जाट वोटर्स की संख्या है 27%, गैर जाट वोटर्स की संख्या है लगभग 66% और मुस्लिम वोटर्स की संख्या है 7% यानी 7%। और बीजेपी की रणनीति यह है कि वो 66% गैर जाट वोटर्स को एकजुट रखना चाहती है, जबकि कांग्रेस की कोशिश यह है कि वो 27% जाट वोटर्स, 7% मुस्लिम वोटर्स के साथ कुछ गैर जाट वोटर्स को भी तोड़कर अपने साथ लाना चाहती है। अब देखिए, इन 66% गैर जाट वोटर्स में 20% दलित वोटर्स हैं, 8% पंजाबी वोटर्स हैं, 30% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं और बीजेपी की रणनीति यह है कि वो इन ओबीसी, दलित और पंजाबी वोटर्स को एकजुट रखकर गैर जाट वोटर्स के सहारे चुनावों में हैट्रिक लगाना चाहती है, यानी तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है। जबकि कांग्रेस की कोशिश है कि अगर उसने 27% जाट वोटर्स और 7% मुस्लिम वोटर्स के साथ कुछ गैर जाट वोटर्स ले लिए, इनमें से जिसमें से 20% दलित हैं, 30% ओबीसी वोटर्स हैं, अगर इनमें से कुछ उन्होंने तोड़ लिया तो इस गैर जाट वोट बैंक को तोड़ सकेंगे और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को हराना उनके लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है अगर वो ऐसा कर पाए। जबकि बीजेपी को लगता है कि उसे इस बार भी गैर जाट वोटर्स का पूरा साथ मिलेगा और इसका कारण यह है कि हरियाणा में लगभग 9 वर्षों तक पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया और उनके बाद अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी ने नॉन जाट पॉलिटिक्स वहां पर की है और नॉन जाट मुख्यमंत्री को उन्होंने वहां पर हमेशा प्रमोट किया है। इससे जाट वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ जाएगा क्योंकि कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा के रूप में बहुत बड़े जाट नेता हैं दो, और जाट नेता जो हैं ये इतनी अपनी काबिलियत रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि ये हरियाणा के जाटों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ हरियाणा के 27% जाटों से काम नहीं चलेगा, इन्हें दलित वोट भी चाहिए होगा, इन्हें कुछ ओबीसी वोट भी चाहिए होगा और इन्हें मुस्लिम वोट भी चाहिए होगा। मुस्लिम वोट इनके साथ आ जाएगा, दलित वोट पर इन्हें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और अगर ऐसा हो गया तो फिर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जो जोड़ी है, पिता और पुत्र की जो जोड़ी है, ये बीजेपी को अच्छी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, कमजोर है, इसीलिए उसे आम आदमी पार्टी की बैसाखी की आवश्यकता है। जबकि आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की अभी कोई सूचना नहीं है और आम आदमी पार्टी की सभी, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अभी वो तैयारी कर रहे हैं। अभी तक तो मैं 90 के 90 विधानसभा की सीटों पर तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए। अगर गठबंधन की बात होती है तो कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने की लड़ाई लड़ती है, आम आदमी पार्टी इस बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की लड़ाई लड़ रही है। अगर मेरे से हाईकमांड इस बात पर बात करेगी तो मेरा स्पष्ट बात होगा कि इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी का समझौता नहीं होना चाहिए। एक्सप्लोर करते हैं, राहुल जी ने कल वही कहा था कि आप लोग एक्सप्लोर करो कि ये जो दरखास्त करते हैं, जो कुछ करते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, फायदेमंद है तो आपको आगे बढ़ाना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इन लोगों का दिक्कत यह है कि दिल्ली में झगड़ा, हरियाणा में झप्पी, अभी झगड़े झप्पी की दोस्ती जो है वो कितने दिन चलेगी इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूँ और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के, संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। कुछ समय पहले की बात है कि राहुल गांधी अपनी हर सभा में, अपने हर भाषण में
आम आदमी पार्टी की आलोचना करते थे, अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते थे। फिर जब मोदी का डर उन्हें सताने लगा, उसके बाद से इन दोनों ने हाथ मिला लिया और अब राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर हरियाणा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कम से कम कि राजनीति में सिद्धांतों की कोई जगह नहीं होती, विचारधारा की कोई जगह नहीं होती। राजनीति का एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरह अपने विरोधी को हराना और किसी भी तरह कुर्सी पर आना, सत्ता को हासिल करना। हरियाणा में किसान, एमएसपी और अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा है, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि वो इस बार हरियाणा में जीत सकती है। लेकिन बीजेपी को भी उम्मीद है कि इस बार भी हरियाणा प्रधानमंत्री मोदी के डबल इंजन पर विश्वास करेगा और बीजेपी इस बार भी गैर जाट वोटर्स को एकजुट करके चुनाव जीत लेगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी यही कहा जा रहा था कि हरियाणा में चुनाव एक तरफा होंगे, लेकिन तब भी बीजेपी ने गैर जाट वोटर्स की मदद से 5 सीटें तो जीत ही ली थी, जबकि कांग्रेस ने भी 5 सीटें ही जीती थी। यानी लोकसभा को अगर आप देखें चुनाव को, तो अभी दोनों बराबर हैं, बराबरी बराबरी पर एक दूसरे के आमने सामने। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो वर्ष 2019 में कांग्रेस ने 28% वोट के साथ 31 सीटें जीती थी। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने 2.5% वोट के साथ 1 सीट जीती थी और बीजेपी ने 36.4% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीती थी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 14.8% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती और बीजेपी ने तब गठबंधन की सरकार वहां पर बनाई थी। तो अब इस बार हरियाणा का मुकाबला आने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहलवानों का मुद्दा है हरियाणा में, अगर आपने देखा होगा तो दीपेंदर हुड्डा ने विनेश फोगाट को भी प्रोजेक्ट करने की बहुत कोशिश की है और पहलवानों के इस मुद्दे को लेकर, विनेश फोगाट के इस पूरे मुद्दे को लेकर भी वो चुनाव में इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस बात का भी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव में ही उतार दे और विनेश फोगाट की वजह से उनकी जो बेल्ट है वहां पर कांग्रेस को फायदा हो जाए।